उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। रियलिटी है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां बड़ा शहर है डैलस, जानते हो डैलस? नाम सुना है आपने? सुना है डैलस? सुना है? क्यों सुना है मैं बताऊं? क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, तुर्की गए, तुर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा, उसके बाद पैनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी, जो हरियाणा से यहां लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे मिलिए आप। मैंने सोचा अच्छा आइडिया है, देखता हूं हरियाणा से जो लोग। भैया ध्यान से, आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज फुल है, इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं। गया, 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ सोते, कोई जगह नहीं। यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे, साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया, रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो, हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पैनामा के जंगल से हम निकले, हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं, उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है, कोई सपना बचा ही नहीं, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए कहां से लिए? आधों ने कहा, राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची, दूसरों ने कहा हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% पर हमने कर्जा लिया। मैं सोच रहा था हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता, वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा।
मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए लो। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिल लिए मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में है, हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते, अगर हम यहां से निकल गए हमें वापस नहीं आने देंगे, ग्रीन कार्ड नहीं है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया, मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मैं मिला। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे, कंप्यूटर में उनका चेहरा, दूसरी तरफ हम करनाल में, हमारे साथ उन युवाओं के परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, भाई बहन, सब एक साथ। और फिर मैंने इनसे बात शुरू की, बातचीत चल रही थी, एक मां ने मुझे कहा, राहुल जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी। बच्चे से मैं मिला था, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी मार दी, पूरी पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, अकेला ट्रेलर में सोता है,